दोस्तों बिग बॉस 17 तीन महीने से अधिक समय तक धमाल मचाने के बाद अब अपने एंड की ओर बढ़ रहा है। शो में आए दिन कंटेस्टेंट्स के जमकर झगड़े देखे जाते हैं, जिसके बाद शो के होस्ट सलमान खान वीकेंड का वार एपिसोड में आकर उन्हें अपने अंदाज में समझाते और फटकार भी लगाते हैं। हालांकि इन सब के बीच कई कंटेस्टेंट्स को उनके खराब गेम की वजह से बेघर भी किया गया है, लेकिन अब सोशल मीडिया बिग बॉस 17 के विनर के लिए मुनव्वर के नाम पर मोहर लग रही है। इसके साथ ही कॉमेडियन की टीम और फैंस ने एक नई चाल भी चल दी है। जी हाँ दोस्तों, विकी के एलिमिनेशन के बाद अब मुनव्वर, अंकिता, अभिषेक, मनारा और अरुण ही इस घर में बचे हुए हैं और यही 5 बिग बॉस 17 के फाइनलिस्ट हैं। सोशल मीडिया पर फैंस अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में मुनव्वर के फैंस सड़क पर उतर कर कॉमेडियन के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि मुनव्वर के फैंस और पीआर टीम ने मिलकर मुनव्वर के लिए पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर पोस्ट और होर्डिंग चलाए हैं और इन होर्डिंग्स पर लोगों को एक अलग ऑफर दिया जा रहा है। इन होर्डिंग्स पर लिखा हुआ है कि मुनव्वर को वोट दो और अपना हेल्थ टेस्ट फ्री में करवाओ। और दोस्तों आपको बता दें, कई सारी जगहों पर ये पोस्ट लगाए गए हैं। यही नहीं, वोट के लिए मुनव्वर की टीम कई गरीब बच्चों को खाना भी खिला रहे हैं और फूड पैकेट पर वोट फॉर मुनव्वर लिख रहे हैं। एक तरफ यह वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे गेम कहते हुए शो जीतने के लिए पब्लिकली स्टंट बताया है। और एक यूजर ने लिखा कि ये लोग दो चेहरे वाले होते हैं, इनको सब पता होता है कि कब क्या करना है, मुनव्वर फाइनल में चला भी जाएगा तब उसके लोग सड़क पर ये नाटक कर रहे हैं। दूसरे यूजर ने लिखा कि एल्विश यादव ने भी ऐसे ही दर्शकों को मूर्ख बनाया था, लेकिन अब हमें पता है कि हमें किसे वोट करना है। वहीं कुछ यूजर ने तो कॉमेडियन को उनका कैरेक्टर ठीक करने के लिए भी सलाह दे डाली। तो कि दोस्तों, मुनव्वर के लिए मांगे गए इन वोट्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या वाकई बिग बॉस 17 को विनर मुनव्वर फारूकी को होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कमेंट करें और साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।